गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ भी हैं और सुरक्षित भी हैं। तो कल हमने एक नया विषय संस्कृत उसको पढ़ना प्रारंभ किया था। कल अपन ने पढ़ा था हलंत की मात्रा के बारे में और विसर्ग की मात्रा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आपके संस्कृत की एक और बहुत ही आवश्यक जो मात्रा होती है वो है आपके अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह लगता है इस तरह से, किसी भी व्यंजन के ऊपर एक जो बिंदी होती है उसको कहते हैं अपन अनुस्वार। जब इसका उच्चारण करते हैं अपन, तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि विसर्ग के उच्चारण में आवाज आती है आपके ह की, और अनुस्वार के उच्चारण में आवाज काय की आती है आपके म की। किस तरह से, जैसे आपको दे दिया ये शब्द है आपके गृह, इस पे लगा दिया अपन ने ये आपके अनुस्वार, तो क्या पढ़ेंगे इसको अपन गृहम। गृह शब्द है आपका, अनुस्वार लगाएंगे, अनुस्वार को क्या पढ़ेंगे अपन म, तो ये क्या बन जाएगा आपके गृहम। जैसे ये शब्द है आपका फल, हिंदी भाषा का शब्द है आपका, अपन ने इसके ऊपर लगा दिया ये अनुस्वार। अब अनुस्वार रखते आपका जो फल शब्द है उसको अपन क्या पढ़ेंगे फलम। ये जो आपका अनुस्वार है इसको बोलेंगे अपन म, ये क्या हो गया आपके फलम। जैसे आपका शब्द है राम, इसको क्या बोलेंगे अपन, ये अनुस्वार लगते ही रामम, राम में एक म तो पहले से ही है और एक आपका अनुस्वार को अपन म बोलेंगे तो क्या बन जाएगा ये आपके रामम। अब इनको दूसरी तरह से भी लिखा जाता है, कैसे, गृहम फलम और ये राम, ठीक है, गृहम फलम राम। जब आपके इस मां को अपन ऐसे अनुस्वार बना देते हैं बिंदी, तो ये इस तरह लिख दिया जाता है, ये तो हट जाता है इसलिए लगा देते हैं अपन बिंदी, लेकिन बोलने में इसको अपन मां ही पढ़ते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपको फिर से गृहम फलम और राम। अब यहां पे एक प्रश्न आपके लिए ये हो जाता है कि भाई अपन ये मां को ऐसे कब लिखेंगे और अनुस्वार बना करके कब लिखेंगे। तो देखिए आप, जैसे आपको वाक्य दे दिया रामम पठती, ठीक है, हरिम वंदे फलम खादति, अजाम आनयति, रामम आगच्छति। इन वाक्यों को देखिए आप, पढ़ने में आपके वो ही है, ये जो आपका अनुस्वार का निशान है इसको भी अपन मां पढ़ते हैं, और ये तो आपके लिखा हुआ ही मां है क्योंकि इसी का आपके अनुस्वार बनता है। रामम पठति, हरिम वंदे, फलम खादति, अजाम आनयति, रामम आगच्छति। अब कहीं पर तो मैंने ये बिंदी लगा दी अनुस्वार की, और कहीं पर मैंने अनुस्वार को ऐसे ही लिख दिया, क्यों, क्योंकि जहां पर आपका दूसरा वाला जो शब्द है अगर वो किसी व्यंजन से शुरू हो रहा है, जैसे ये आपके प से शुरू हो रहा है, वह आपका एक व्यंजन है, ये आपके व से शुरू हो रहा है, वह भी आपका एक व्यंजन है, ये आपके ख से शुरू हो रहा है, ख भी आपका एक व्यंजन है, तो अगर दूसरा वाला पद आपका व्यंजन से शुरू हो रहा है तो फिर ये अनुस्वार की मात्रा लगती है बिंदी, ठीक है। लेकिन अगर आपका दूसरा पद स्वर से शुरू हो रहा है, जैसे ये देखिए आ नहीं थी, किससे शुरू हो रहा है, आ से, जो कि आपका एक स्वर है। रामम आगच्छति, ये भी शुरू हो रहा है आपके आ से, जो कि आपका एक स्वर है। तो दूसरा वाला पद अगर आपका स्वर से शुरू होता है तो फिर अपन मां की बिंदी नहीं बनाते, अनुस्वार की अपन बिंदी नहीं बनाते, उसको मां ही लिखा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर अपन इस तरह से वाक्य को नहीं लिखते हैं तो वाक्य आपका
अशुद्ध होता है, गलत तो नहीं होता, वाक्य तो सही होगा लेकिन उसे अशुद्ध माना जाएगा व्याकरण की दृष्टि से। तो अपन को क्या बात ध्यान में रखनी है कि अनुस्वर का निशान क्या होता है, आपके किसी व्यंजन के ऊपर या आपके बिंदी। जब अपन बोलते हैं तो इसमें से काय की आवाज आती है आपके म की, ठीक है। अगर आपका दूसरा वाला पद किसी व्यंजन से शुरू हो रहा है तो अपन म नहीं लिखेंगे बल्कि ये बिंदी बनाएंगे अनुस्वर। और दूसरा वाला पद अगर आपका स्वर से शुरू हो रहा है तो फिर अपन बिंदी नहीं बनाएंगे, उसी अपन क्या लिखेंगे अपन म। यह है आपके अनुस्वर की मात्रा। तो एक बार फिर से अपन इसका दोहरान कर लेते हैं। कल आपको बताया था मैंने हलंत, हलंत किसी व्यंजन के नीचे अगर लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके उस व्यंजन के साथ कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, यानी स्वर की मात्रा जुड़ी हुई नहीं है। जैसे ही स्वर की मात्रा जुड़ेगी वो हलंत हट जाएगा और आपका जो व्यंजन है वो पूरा हो जाता है। दूसरी थी आपके विसर्ग, विसर्ग जो आपके निशान किस तरह से होता है, ये किसी भी व्यंजन के बाद में ये दो बिंदु, जब बोलते हैं अपन तो काय की आवाज आती है इसमें से आपके ह की, तो ये है आपका व्यंजन। तीसरी मात्रा अपन जो आज पढ़ रहे हैं वो है आपके अनुस्वार, जिसका मैंने आपको बता दिया इसको किस तरह लगाते हैं, किसी भी व्यंजन के ऊपर इस तरह से बिंदी बना करके, और इसमें उच्चारण की आवाज क्या आती है आपके म, इसी म का अनुस्वार बनाया जाता है। अब कहां पर तो इसकी बिंदी बनती है और कहां पर इसको म लिखा जाता है वो मैंने अभी आपको बताया, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर दूसरा वाला पद आपका किसी व्यंजन से शुरू हो रहा है तो फिर आपका म नहीं लिखा जाएगा बल्कि ये आपके बिंदी लगाई जाएगी, पढ़ेंगे उसको मां लेकिन लगाए बिंदी जाएगी। लेकिन दूसरा वाला पद अगर आपका स्वर से शुरू हो रहा है तो फिर आप उसको मां लिखेंगे, अनुस्वार को बिंदी नहीं लगाएंगे। तो आशा है ये आपका यहां पर पूरा हो गया, कल हम फिर से मिलेंगे।